रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपका जो टैक्स स्लैब है यहाँ पर, ये तीन तरह के हैं, मतलब बिलो 60, 60 to 80 एंड अबव 80। और इसके बाद ये आपका न्यू टैक्स स्लैब है, मतलब जो अभी जो जो बजट में जिस टैक्स स्लैब को लेके आया, मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया, हाउएवर इन एडिशन टू द टैक्स स्लैब मेंशन्ड अबव, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण हैज अनाउंस्ड अ न्यू ऑप्शनल, ठीक है, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस न्यू टैक्स स्लैब के साथ जाओ या ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ, ठीक है। न्यू ऑप्शनल टैक्स स्लैब फॉर इंडिविजुअल्स, द न्यू टैक्स स्लैब इज एन अल्टरनेटिव एंड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ, जो आपका एग्जिस्टिंग जो भी सिस्टम है टैक्स स्लैब है, उसके जगह पर आप न्यू टैक्स स्लैब को भी को जो है आप उसके साथ भी जा सकते हो, दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। तो इसको हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि कैसे है जो आपका न्यू टैक्स स्लैब, ठीक है। उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कैसे आप उस टैक्स को कैलकुलेट करते हो जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, जो आपका न्यू टैक्स स्लैब है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो यहाँ पर जो अगर 2.5 लाख है तो क्या होगा, टैक्स जो लाइबिलिटी वो नेल होगी। उसके बाद अगर 5 लाख है, 5 लाख रुपए अगर टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी जो आपकी जो है टोटल इनकम है वो है, टैक्सेबल जो इनकम है वो 5 लाख, 5 लाख रुपए है, तो अप टू 2.5 नील, उसके ऊपर जो अमाउंट है उसपे जो आपका 2.5% जो आपका सॉरी 5% जो आपका टैक्स है लाइबिलिटी होगी, यानी कि 12,500 रुपीज, ठीक है। उसके उसमें ऐड क्या करेंगे, जो आपका सेस है 4%, जो न्यू टैक्स स्लैब है वहां पे जो सेस है वो कितना है, 4%, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा जो टैक्स अमाउंट है वो है 12,500, और यहाँ पर सेस जो है उसको ऐड किया गया कितना, 4%, तो जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन रही है वो 13,000, ठीक है। ये 4% किस पे है, ये टैक्स जो आपका इनकम टैक्स अमाउंट है इस पर है 4%। इसी तरह अगर 7.5 लाख है इनकम, तो अलग अलग, तो आप जो है आपको अप टू 2.5 लाख तक कितना देना है, 12,500, उसके ऊपर फिर 25,000, समझ रहे हैं, 7.5%, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर जो टैक्स अमाउंट है वो 37,500 हो रहा है, और सेस को मैंने ऐड किया और टैक्स लाइबिलिटी आ गई 39,000। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है, मतलब अलग अलग टैक्सेबल इनकम दी गई है और वहां पर उनकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की गई है, तो इस यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं है? अभी मैं मतलब कि अभी ना इधर से मतलब ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी इसको क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि अभी ये हो नहीं पा रहा है बिल्कुल, ना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसमें, ना मैं कुछ बता पा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और जाते जाते आप लोग जो चैट बॉक्स है उधर आप एक एक मैसेज मैसेज करके आप लोग इधर से एग्जिट ले सकते। हाँ सर, आज क्लास में मजा भी नहीं आ रही। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो है मैसेज कर दो उधर, नाम रोल नंबर और ग्रुप, और एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता पॉसिबल ही हो पाएगा।